हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट इस बार के चुनाव में सबसे हॉट सीट्स में से एक है। इस सीट पर हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही चुनावी जंग देखने को मिलती है। इन दोनों प्रमुख दलों से इस बार दो युवा चेहरे चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने इस बार बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को मौका दिया है। बॉलीवुड फेम कंगना रनौत हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बोलने की वजह से बीते कुछ सालों में चर्चाओं में रही हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इस सीट से विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सीट पर किसका पलड़ा भारी है। मंडी संसदीय सीट के इतिहास की बात करें तो इस सीट पर अधिकतर राजशाही परिवारों का दबदबा रहा है। यहाँ पर हुए 19 चुनाव में, जिसमें दो उपचुनाव भी शामिल हैं, 13 बार राज परिवारों के नेता चुनकर संसद पहुंचे हैं। मात्र 6 बार ही आम परिवारों से नेता चुनकर संसद पहुंच पाए हैं। एक दशक पहले तक मंडी जिला कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जा रहा था, लेकिन पिछले दो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जनता का समर्थन मिल रहा है। मंडी जिले की 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है। मंडी संसदीय क्षेत्र में भाजपा के पास इस समय जयराम ठाकुर ही एक बड़ा चेहरा है, और ऐसे में जयराम ठाकुर कंगना रनौत के प्रचार अभियान की कमाल खुद उन्होंने संभाली है। जाहिर है कि भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत का नाम बॉलीवुड से रहा है, ऐसे में कंगना की रैलियों में लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। बॉलीवुड में रहते हुए कंगना अपने विवादित बयानों की वजह से जानी जाती रही हैं। यही शैली कंगना की चुनाव में भी देखने को मिल रही है। कंगना लोगों का दिल जीतने में कहीं हद तक कामयाब भी नजर आ रही हैं, लेकिन मुद्दों को पीछे रखकर लगातार हो रही बयानबाजी से जनता नाराज दिख रही है। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी पर लगातार बरस रही हैं। इस प्रचार अभियान के दौरान कंगना ने विक्रमादित्य सिंह को लेकर कई विवादित बयान भी दिए। कंगना ने मनाली में विक्रमादित्य सिंह को छोटा पप्पू और राजा बेटा कहने वाले बयान काफी सुर्खियों में रहे थे। वहीं दूसरी ओर विक्रमादित्य सिंह कंगना को मंडी की ना होकर मुंबई की बता रहे हैं। इसके अलावा उनके लिए अपवित्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यानी दोनों ही तरफ से राजनीतिक बयानबाजी जमकर देखी जा रही है। अगर मंडी सीट के समीकरण की बात करें तो इस सीट पर अधिकतर कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा रहा है। यहां तक कि 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की कर्मभूमि भी मंडी लोकसभा सीट ही रही है। वीरभद्र सिंह यहां से 3 बार सांसद रहे हैं। मंडी संसदीय सीट के तहत मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कन्नौर, शिमला और चंबा जैसे 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 17 विधानसभा क्षेत्रों में 33.6% राजपूत जबकि 29.85% अनुसूचित जाति का वोट है। तीसरे नंबर पर 21.4% के साथ ब्राह्मणों का वोट बैंक यहां पर है। इस सीट पर हमेशा से ही राजपूतों और ब्राह्मणों का कब्जा रहा है। सिर्फ एक बार देश के पहले चुनाव में दलित को यहां से सांसद बनने का मौका मिला। ऐसे में देखा जाए तो एक तरफ कंगना के पास बॉलीवुड वाली लोकप्रियता है, बीजेपी और पीएम मोदी के नेम और फेम का फायदा कंगना को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विक्रमादित्य सिंह को उनके परिवार की राजनीतिक विरासत का फायदा भी मिलेगा।